मैं बात करने जा रहा हूँ 25 रैंडम फैक्ट्स के बारे में। नंबर 25, बुर्ज खलीफा टावर इतना लंबा है कि आप इस पर से चढ़कर एक बार और सूर्यास्त देख सकते हो। पहला सूर्यास्त जमीन से और सेकंड नंबर का एफिल टावर के ऊपर से चढ़कर सूर्यास्त देख सकते हो। नंबर 24, आप लोगों ने कब्रिस्तान में इंसानों को दफन तो देखा ही होगा, मगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि दक्षिण महासागर में एक पॉइंट नीमो नाम की जगह है जहां पर बहुत सारे स्पेसशिप्स समुद्र में दफन पड़े हुए हैं। नंबर 23, आपको एक बात पता होना चाहिए कि युद्ध में जाने वाले सैनिकों की तुलना में आम आदमी के काम पर जाना और काम करना, उसमें मरने की संभावना 4 गुना अधिक होती है सैनिकों की तुलना में। नंबर 22, आप लोग 3D फिल्म देखने जाते हो, मगर आपको यह बात पता नहीं है कि आपकी 3D फिल्म पहली बार 1922 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम द पावर ऑफ लव एक मूक फिल्म थी जो दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसमें अफसोस की बात यह है कि यह फिल्म आज खो चुकी है। नंबर 21, रोमानिया में खोदे गए अवशेषों में पता चला है कि एक टेरोसोर एक विशालकाय पक्षी था जो एक फाइटर जेट की तुलना में बहुत बड़ा था, जिसके पंखों की लंबाई 40 फुट थी। यह एक F-16 फाइटर जेट के पंखों की लंबाई 33 फुट की तुलना में ज्यादा थी, और खास बात तो यह है कि यह जिराफ जितना लंबा खड़ा हो सकता था। नंबर 20, आप लोगों ने एक बात जरूर पता होगी कि आप लोगों के सामने जब कोई घटना घटती है तब आप लोग OMG कहते हो, यानी ओ माई गॉड। यह OMG वर्ड 1917 में सामने आया था, जिसे विंस्टन चर्चिल को एक पत्र में लिखा गया था। यह वर्ड नौसेना में काम करते वक्त एडमिरल जॉन अबुर्थनोट फिशर द्वारा इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 19, अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है। अंटार्कटिका का ध्रुवीय बर्फीला रेगिस्तान पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर करता था, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर 5.5 मिलियन वर्ग मील में फैला है, और यह सहारा रेगिस्तान 3.6 मिलियन वर्ग की तुलना में ज्यादा है। नंबर 18, मधुमक्खियां समुद्र तल से 29,525 फीट ऊपर के लेवल पर भी उड़ सकती है। आसान भाषा में कहे तो मधुमक्खियां माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची उड़ान भर सकती है। नंबर 17, दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर 16 इंच का था, इसका नाम माइक्रोकैप्टर था, जो चीन में खोजा गया था। नंबर 16, 17वीं शताब्दी में कबूतरों का शिकार बारूद बनाने में किया जाने लगा था, इसके चलते इंग्लैंड के किंग जॉर्ज ने 18वीं शताब्दी में सभी कबूतरों को क्राउन की संपत्ति घोषित कर दिया, इसलिए इंग्लैंड में कबूतरों का शिकार गैरकानूनी अपराध है। नंबर 15, ई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए जाने वाले सारे वर्ड्स में 11% तक इसका यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा इसी वर्ड का यूज किया जाता है। नंबर 14, न्यूजीलैंड एक ऐसा महाद्वीप है जो बहुत बड़ा है। इस न्यूजीलैंड द्वीप को महाद्वीप इसलिए कहा गया क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से न्यूजीलैंड को देखा तो वह दंग रह गए, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर न्यूजीलैंड द्वीप में महाद्वीप दिखा, क्योंकि इसका 70% हिस्सा समुद्र में समा गया है। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूजीलैंड को 8वें महाद्वीप का दर्जा दे देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 13, ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले सार्कों की उम्र करीब 500 सालों तक होती है, और खास बात यह है कि ये अपनी मिलन क्रिया 150 साल कंप्लीट होने के बाद ही करते हैं। नंबर 12, सर्बिया बोस्निया और मोंटेनेग्रो ऐसे देश है जहां आप कोई भी कामकाज करते हो तो आप 16 की उम्र में वोट दे सकते हो। अगर आप बेरोजगार हो तो आपकी उम्र 18 साल की होना जरूरी है मतदान देने के लिए। नंबर 11, हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर सार्क की प्रजाति 400 मिलियन वर्षों से हैगी, और पेड़ों की तुलना में ये बहुत ज्यादा पुरानी है। नंबर 10, एक नॉर्मल कुत्ते का दिमाग का विकास मानव के 2 साल के बच्चे के विकसित दिमाग के बराबर होता है। अगर आप कुत्ते को कुछ सिखाओगे, यानी कि यह 250 बढ़िया इशारों को समझाओगे, तो ये कुत्ते आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 9, सीमोर द्वीप में पाए गए हड्डियों के जीवाश्मों से पता चलता है कि 40 मिलियन साल पहले पेंगुइन करीब 6 फीट लंबे हुआ करते थे, और एक विशाल पेंगुइन का वजन 250 पाउंड तक होता था। नंबर 8, आप लोगों को एक बात पता नहीं होगी कि जो आप फ्राइड चिकन खाते हो उसकी शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह तब खरीदा जब दक्षिणी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए, तब इस व्यंजन की शुरुआत हुई थी। नंबर 7, हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में से करीब 100% स्तनपाई प्रजातियों में 25% चमगादड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। नंबर 6, आप लोगों ने कुकीज तो देखी होगी, मगर आप लोगों को फॉर्चून कुकीज के बारे में नहीं पता है जो अमेरिका में सबसे ज्यादा मात्रा में बेची जाती है। फॉर्चून कुकीज का आविष्कार अमेरिका में हुआ था 1890 में सैन फ्रांसिस्को को मकोता हागीवारा
द्वारा इसका आविष्कार किया गया था और इसे गोल्डन गेट पार्क के जापानी टी गार्डन में फर्स्ट टाइम बेचा गया था। नंबर 5, आप लोगों ने घोड़े की मूर्ति पर सवार व्यक्ति को तो देखा ही होगा, मगर आपको ये बात पता है कि अगर घोड़े की मूर्तियों के दोनों पैर हवा में हो तो वह व्यक्ति युद्ध में मारा गया है। सेकंड कंडीशन में अगर उस घोड़े के एक पैर हवा में है तो वह व्यक्ति युद्ध में प्राप्त घावों से मारा गया है। तीसरी कंडीशन में यह होता है कि अगर उस घोड़े के चारों पैर जमीन पर रखे हो तो वह व्यक्ति प्राकृतिक कारणों से मारा गया है। नंबर 4, आप लोगों ने तो पेड़ों को देखा ही होगा, मगर आप लोगों को यह बात नहीं पता है कि कैलिफोर्निया के सफेद पहाड़ों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी उम्र 6000 वर्ष तक की है, जिन्हें बुद्धिमान पेड़ पिनस लोगेवा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, हमारे शरीर में करीब 70 से 75 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है, जिनमें से 50% तो लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए मात्र 20 सेकंड का समय लगता है लाल रक्त कोशिकाओं को। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 3 ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो आग को फैलाने में मदद करते हैं, क्योंकि जब ये पक्षी आग को बढ़ावा देते हैं तब इनका शिकार ऑटोमेटिक बाहर की ओर निकल आता है और इनके लिए शिकार करना आसान हो जाता है। ये पक्षी मिल्सन माइग्रेंस, विल्सिंग केट और ब्राउन फैलकन होंगे। नंबर 1, आप लोगों के घर के इंटरनेट की स्पीड 25 Mbps/s होती है, मगर नासा की इंटरनेट स्पीड 91 GB/s है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एवरीडे हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय।